महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर गुहार लगाई गई है, जिसमें उस याचिका पर जल्द सुनवाई और निर्देश जारी होने चाहिए, जिसमें कहा गया है कि एक बार अगर कैंडिडेट आयोग करार दे दिया जाता है तो उसे फिर से उस टर्म में चुनाव लड़ने पर रोक लग जानी चाहिए। याचिकाकर्ता अपनी अर्जी में कहा है कि 10वीं अनुसूची के तहत अगर सदन में मेंबर को आयोग घोषित किया जाता है तो फिर सदन के उस कार्यकाल के लिए उसे दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से पिछले साल जवाब दाखिल करने को कहा था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता और मध्य प्रदेश कांग्रेसी नेता जया ठाकुर की ओर से आवेदन दाखिल किया गया है और कहा गया है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल जनवरी से पेंडिंग है और कोर्ट याचिका पर सुनवाई के दौरान पिछले साल 7 जनवरी को नोटिस जारी किया था और अब इस मामले में जल्द निर्देश जारी करने की जरूरत है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 172 के तहत सदन के सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता है और एक बार अगर सदन से 10वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत वह सदस्य अयोग्य हो जाता है तो उसे उस कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है अगर कोई सदस्य पार्टी की सदस्यता को त्याग देता है तो वह भी 10वीं अनुसूची के दायरे में आना चाहिए और वह अयोग्य होना चाहिए। याचिका में बताया गया है कि देश में हाल में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सत्ता के लिए दूसरे दल के एमएलए से इस्तीफा दिलाया और फिर उन्हें मंत्री पद भी दिया गया, साथ ही दोबारा पार्टी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दिया गया और इसके लिए मणिपुर, कर्नाटक और मध्य प्रदेश का उदाहरण सामने है। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।